सबसे पहले एक बड़ी खबर। बहराइच से भेड़िये के हमले नहीं रुक रहे हैं। बीती रात भी आदमखोर भेड़िये ने दो महिलाओं पर अटैक किया है। भेड़िये के हमले में घायल दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले हमले में 30 साल की महिला पर अटैक किया गया था, जबकि दूसरा हमला भेड़िये ने 45 साल की मुकी मुन पर किया। एक महिला का इलाज मेडिकल कॉलेज बहराइच में चल रहा है और दूसरी महिला का इलाज CHC महसी में चल रहा है। दोनों महिलाओं के गले पर भेड़िये ने अटैक किया है। एक महिला सिंगीहा नासिरपुर की रहने वाली है, जबकि दूसरी घायल महिला मुकीमुन सम्मानपुरवा की रहने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बीती रात भी अटैक हुआ है, दो महिलाओं पर हमला किया गया है। तो एक और भेड़िया पकड़ लिया गया, लेकिन बावजूद इसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे, लेट नहीं रहे, वाला आदमी जलाया था, बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के भाग रोने लगे। तब सब कोई दौड़े तो वो भेड़िया माँ जुंधरी में पिल गए, पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िया जी। तो भेड़िये के हमले रुकने का नाम नहीं ले रखे, परेशान हो चुके हैं लोग। और ये देखिए, जब पांचवा भेड़िया पकड़ा गया था, वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन अभी भी भेड़ियों के झुंड में से कुछ भेड़िये रहते हैं जो अटैक कर रहे हैं। आखिर कब ये आतंक खत्म होगा, यही सवाल अब हर किसी के जहन में है। गाँव वाले भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कई गाँव के लोगों को भेड़िये ने परेशान कर रखा है। एक या दो गांव नहीं बल्कि 30 से 35 गांव बताए जा रहे हैं जो भेड़िये की दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। आसपास का जो कछार का इलाका है, वहां पर भेड़ियों के होने की वजह से अलग अलग जगहों पर उनकी मांद भी देखी गई है, और इसी वजह से डर लगातार बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बारिश का अलर्ट है। यूपी के कई जिलों में डीएम ने आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 घंटे तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि अभी तक दो दिन तक बारिश की संभावना है। बुधवार देर शाम से शुरू हुई बारिश बृहस्पतिवार तक देर शाम तक होती रही। वहीं आज भी बारिश जारी है। कासगंज में भी क्लास 1 से लेकर 12th तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आदेश के मुताबिक लापरवाही बरतने वाले स्कूल कॉलेज संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद, इटावा और बुलंदशहर में भी 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। हमीरपुर में भी बारिश के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। उत्तराखंड के भी 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। यूपी में भी कल से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। हरदोई में 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश होने की वजह से सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल 13 और 14 सितंबर को बंद रखने के लिए घोषणा कर दी गई है। न कहीं गर्मी से लोगों को निजात तो जरूर दी है, लेकिन लोगों की समस्याओं को भी खड़ा कर दिया है। एक तो जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड कम कर दी है, दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको बता दें कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। आपको बता दें, यहाँ एक चीज और है, किसानों को तो जरूर लाभ मिला है इस बरसात का, लेकिन आप देख सकते हैं ये मुख्य राजमार्ग है, जो लखनऊ हरदोई राजमार्ग है, मुख्य मार्ग राजमार्ग है, एक ही राजमार्ग है जहाँ से सभी वाहन, जिनको लखनऊ जाना हो, बरेली जाना हो, शाहजहाँपुर जाना हो, वो इसी राजमार्ग से होकर के निकलते हैं। आपको पीछे भी दिखाते हैं किस तरीके से बारिश, अभी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें कि चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या आवास विकास कॉलोनी आज़ाद नगर, पिहानी चुंगी, मौलिया शिव पार, हर जगह पानी भरा हुआ है।
आपको बता दें कि 3 दिन से रुक रुक के बारिश हो रही थी, लेकिन अभी 3 घंटे से आज लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने गर्मी से लोगों को निजात जरूर दी है, मौसम खुशनुमा कर दिया है। कहीं ना कहीं लोगों को इसका जो बीमारियां हैं उसका भी खतरा है लोगों को, क्योंकि अब इस जो ये बारिश हो रही है जगह जगह पानी भरेगा, उसमें बीमारियां पैदा होंगी। कैमरामैन T2 के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज 18 हरदोई। हमीरपुर जिले में भी बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बांधों से पानी छोड़े जाने से यमुना और बेतवा नदी उफनाई हुई है। बेतवा नदी में माता टीला बांध से 285,000 क्यूसेक और लहचूरा बांध से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर में 6 मीटर की बढ़ोतरी होने की संभावना है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। DM ने अधिकारियों के साथ दोनों नदियों का निरीक्षण किया। बाढ़ से प्रभावित होने वाले निचले इलाकों में अधिकारियों को मौके पर जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। ये अभी हम बेतवा पे हैं और बेतवा के पुल पे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि बरसात हो रही है लगातार, और पीछे हमारे जो माता टीला बांध है वहां से भी पानी छोड़ा गया है, लचूरा से भी छोड़ा गया है, तो यहाँ पे हम वही देखने के लिए आए थे। और तैयारी प्रशासन की पूरी है और बाढ़ को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं और हमारी टीम पूरी तैयार है। शाजापुर में बारिश ने शहर से लेकर देहात तक कहर ढा रखा है। किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बारिश के चलते सबसे ज्यादा धान और गन्ने की फसल बर्बाद हुई है। उधर मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया। सैकड़ों किसानों के गन्ने धान की खड़ी फसल गिर गई है। और अगली खबर शाजापुर से, जहां पर बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में कई जगह पर जलभराव होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर पेड़ गिरने से बिजली बाधित है, जिसके चलते 24 घंटे होने को अभी तक बिजली बाधित है। लगातार बारिश के चलते DM के निर्देश पर कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और अगली खबर बांदा से, जहां पर चेक डैम पार करते वक्त पति पत्नी की डूबने से मौत हो गई है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। दरअसल मृत दंपति गांव की गौशाला में काम किया करता था और काम से वापस घर लौटते वक्त दोनों चेक डैम पार करते वक्त अचानक से डूब गए। मृतक निरहुआ गांव के रहने वाले हैं। ये घटना तिंदवारी थाना क्षेत्र की है। ये लोग थाना तिल्ला क्षेत्र के एक गांव हिंदू है, वहां की गौशाला में काम करते थे और वहां से काम करके वापस आते हुए कल शाम को एक बरसाती नदी है जो दोनों गांव के बीच में पड़ती है, वहां पर ये दोनों लोग डूब गए। पुलिस तथा महिला दोनों का शव जो है आज बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा करके अब से कार्रवाई की जा रही है। और माफिया अतीक अहमद से जुड़ी एक बड़ी खबर, अतीक के रिश्तेदार जीशान अल्फैज, इन पर FIR दर्ज की गई है, जहां पर 20 लाख की रंगदारी मांगने में FIR दर्ज की गई है। प्रयागराज के रहने वाले पीड़ित श्रीकांत प्रधान ने मामला दर्ज कराया है। पीड़ित श्रीकांत प्रधान के मुताबिक 10 सितंबर को रंगदारी मांगी गई, रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। और बड़ी खबर गाजियाबाद से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। यहां पर 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। चेन स्नैचिंग की वारदातों में ये शामिल थे और इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इसके बाद फायरिंग का भी आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिजवान गाड़ी से जा रहा था। आरोप यह है कि नईम ने रास्ते में छोटा हाथी खड़ा किया हुआ था, जिसको हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। रिजवान का आरोप यह है कि नईम पक्ष ने तलवारों से हमला बोल दिया, पथराव और फायरिंग भी की गई। एक महिला गोली लगने से घायल हुई है, जबकि 2 लोग तलवार लगने से घायल हुए हैं।
मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विजय थाना नगर क्षेत्र का ये मामला है। आगरा में प्रेमी पर प्रेमिका को गोली मारने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी खत्म कर घर जा रही नर्स को उसके प्रेमी ने गोली मार दी। गोली लड़की के चेहरे पर लगी है। लड़की को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना थाना ताजगंज क्षेत्र के ताज नगरी फेस टू स्थित CNG पंप के पास की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। माध्यम से रात्रि लगभग 9:45 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि मुस्कान पुत्री दिलीप सिंह मौर्य, जो काशीराम कॉलोनी ताजगंज की निवासी है, इसको बबलू पुत्र भगवान सिंह मौर्य द्वारा गोली मार दी गई है। मौके पर पहुंचकर जानकारी करने पर पता चला कि मुस्कान को पॉइंट ब्लैंक रेंज से चेहरे पर बबलू द्वारा गोली मारी गई है। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर रोडवेज बस ने पुलिस जीप में टक्कर मार दी और हादसे में पुलिस जीप सवार एक PRD जवान घायल हो गए हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने रोडवेज बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सोहरामऊ इलाके की घटना बताई जा रही है। आगे बढ़ते अगली खबर लखनऊ से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का चौथा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जहां पर इस कार्यक्रम में CM योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। ये आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर में है। गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे कार्यक्रम होना है। लखनऊ में मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। उपचुनाव से पहले CM योगी ने जिलों के प्रभारी मंत्री बदले, साथ ही साथ 25-25 जिले दोनों डिप्टी CM को सौंपे गए। 25 जिलों का प्रभार अपने पास रखा। इसी के साथ सभी मंत्रियों को उनके प्रभाव वाले जिले का प्रभारी बनाया गया। CM योगी ने सभी मंत्रियों और जनता से संवाद और समन्वय का मंत्र दिया। मंत्रियों को जिलों में रात्रि विश्राम कर योजनाओं की जानकारी लेने के लिए कहा गया है। प्रभारी मंत्री संगठन CM के साथ BJP प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन ने भी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। BJP के सदस्यता अभियान समेत कई अन्य कार्यक्रमों को लेकर आदेश दिया गया है। के लिए प्रभारी जिले दिए गए हैं और उन्हीं जिलों में हम लोगों को काम करना है और जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है इसके संबंध में सबको सजग किया गया है कि जिसको जो जो जिला मिला है वो उसमें अपना काम करे। प्रभारी मंत्रियों से बातचीत हुई है विकास के एजेंडे? हाँ, वो सब प्रभारी मंत्रियों से उन्होंने जानकारी ली है कि कितना कितना काम किया है। यूपी की सियासत में पिछले 5 साल से जो सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है, आज उसका जवाब मिल चुका है। सवाल यह है कि आखिर मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ा क्यों? आखिर BSP और समाजवादी पार्टी के रास्ते अलग क्यों हुए? ২০১৯ में जिस गठबंधन के दम पर मायावती की झोली में 10 सीटें आई, जिस गठबंधन के दम पर BSP के हाथी ने सपा की साइकिल से तेज दौड़ लगाई, उस गठबंधन के टूटने का दर्द किताबों में अंगारे बनकर छलक रहे हैं। मायावती अखिलेश से गठबंधन तोड़ने की वजह बता रही हैं और 59 पन्नों की बुकलेट में एक एक तस्वीर साफ कर रही हैं। मायावती ने दावा किया कि 2019 में सपा सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी, जबकि BSP ने 10 सीटें जीती थी, इसलिए अखिलेश ने फोन उठाना बंद कर दिया था। अखिलेश यादव BSP नेताओं को इग्नोर करने लगे थे, इसलिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा। गठबंधन टूटने के 5 साल बाद जो आरोप मायावती की तरफ से समाजवादी पार्टी पर लगाए गए, उस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और बताया कैसे वो मायावती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे गठबंधन तोड़ने की नींव पड़ी। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी,
किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मायावती ने 5 साल तक गठबंधन टूटने का राज क्यों छिपाया? आखिर क्यों अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने की वजह जानने की कोशिश नहीं की? क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दलित वोट बैंक है? दलित का नेतृत्व कभी सपाई मानसिकता में है ही नहीं, ये आदरणीय अखिलेश जी नहीं, ये सपाई सोच का परिणाम है। सपाई सोच ही दलित विरोधी है। उन्होंने, अगर आपको याद हो, समाजवादी पार्टी ने दलित वर्ग का जो प्रमोशन था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था, और जो पता था चीफ इंजीनियर था वो जेई बन गया था, अखिलेश जी के समय तो बना था, मुख्यमंत्री थे। तो ये दलित विरोधी जो कृत्य था उसको आज जब बीजेपी सरकार में आई तो उसने ठीक किया। खैर, मायावती यूपी उपचुनाव से पहले अपने वोटर्स के लिए हर वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रही हैं जिससे कोर वोट बैंक को मजबूत किया जा सके, क्योंकि अकेले दम पर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो बीएसपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगरा में ताजमहल या तेजो महल विवाद के मामले को लेकर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई के पुरातत्वविद आर के पटेल को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। पिछले सुनवाई में कोर्ट से प्रतिवादी को वाद की नकल पत्र न मिलने का हवाला देते हुए समय मांगा गया था। तेजो महल पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर कोर्ट में 23 जुलाई को याचिका दायर की गई थी। लखीमपुर खीरी के फूल बेहड़ में सहकारी समिति के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक मंजू त्यागी पर रिटर्निंग ऑफिसर से पर्चा छीनने का आरोप लगा। धांधली के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं हालात को काबू में करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा। खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की। पुलिस ने 12 लड़के और लड़कियों को यहां से बरामद किया है आपत्तिजनक हालत में। मामला नदगंज थाना क्षेत्र के बलवंत नगर का बताया जा रहा है, होटल का, जहां पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर छापा मारा। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस को सील कर लिया है। 12/8/24 को थाना क्षेत्र नंदगंज के अंतर्गत बलवंत यादव गेस्ट हाउस के संबंध में जनता के व्यक्तियों द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत के आधार पर SDM सैदपुर, थाना प्रभारी नंदगंज, महिला थाना प्रभारी गाजीपुर के साथ होटल नंदगंज के अंतर्गत बलवंता गेस्ट हाउस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 6 जोड़े महिला पुरुष के मिले, जो सभी बालिग थे, और संचालक के द्वारा उसके वैध रूप से कागज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके संबंध में गेस्ट हाउस को सीज कर दिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती जिले की लालगंज पुलिस पर एक दिव्यांग के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वहीं अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत पर जब कार्रवाई नहीं की गई तो पीड़ित दिव्यांग पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। दरअसल दिव्यांग युवक एक कबाड़ के दुकानदार की शिकायत करने पहुंचे था थाने। आरोप यह है कि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसके साथ बदसलूकी की। जब वो मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो उसका मोबाइल छीनकर पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस का आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। उनका जो है चौकी पे आना जाना लगा रहता है, चौकी पे वो तमाम तरह से उनका व्यवहार है। चौकी इंचार्ज से, जिनका नाम चौकी इंचार्ज का नाम है राम भवन प्रजापति, उनसे काफ़ी लगाव रहता है उनका, उसकी वजह से
चौकी इंचार्ज जो है मुझे मारे हैं कि मैं उसके खिलाफ जो है 112 नंबर की शिकायत कर दिया था।